इंडियन एक्ट्रेसेस भी पैकअप करती हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस भी कर इन दोनों को ज़्यादा प्रोफेशनल आप किसको समझती हैं जारी बात है इंडियंस मुझे ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर ये यह होता है कि इसका नाम ज़्यादा है इसको जो है ना हमने ज़रूर हायर करना है काम पर नहीं नाम पर ज़्यादा हायर किया जाता है विराट कोहली को आप देखती हैं उसको दुनिया का फैशन आइकॉन बना के पेश किया गया है एज कम्पेयर टू बाबर आजम आपको क्या लगता है बाबर आजम की ग्रूमिंग किस लेवल की है नेचुरली बात है विराट कोहली का इस वक्त कोई कंपैरिजन नहीं है देखिए उनके पीछे होती है पूरी टीम कैसा पहनना है कैसा दिखना है कैसे बात करनी अब जब विराट आता है तो विराट बात करने का ये स्टाइल होता है और बाबर आजम का मॉर्निंग शो होस्ट की क्वीन कौन है पाकिस्तान की है देखिए नादिया खान तो कभी भी मतलब वो नंबर पे जा बदावी भी है बाल लगवा और खूबसूरत हो गया है अच्छा आज कल टिक टॉक लाइफ का एक ट्रेंड चल रहा है ज्यादा प्रमोट हो रही है बैठी हैं हैं गंदी हो नहीं, पैसे मांगे जा रहे सोशल मीडिया एथिक्स तो बिल्कुल ही खराब है है जितना आप जो ओपन काम करें उतना ज़्यादा वो दिखता है। लेकिन जो आम लोग जो आके इस वक्त मीडिया में आकर इस तरह सोशल मीडिया में आके तो ऐसे लग रहा है उल्टी सीधी ऑफर दी हो कोई एक दफा ये हुआ था होस्टिंग के अलावा भी दीगर फील्ड में बनाई अपनी पहचान नाजिया मलिक हैं आज की हमारी मेहमान अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू क्या, क्या हाल है थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग कहाँ बस इधर ही है कहाँ जाना तो कहा है, है हमें तो नहीं दिख रही कहाँ है वही एक अरसा हो गया भाई आपने कभी हमें तलाशी नहीं किया आज हम पता नहीं कहाँ से घूमते फिरते कहीं मिल गए हम थैंक यू सो मच इनवाइटिंग बट नादर ने बुलाया मुझे अपने शो पे बड़ी बात होती है आजकल नादर अपने शो में किसी को बुला लेना तो वो बड़ी बात बन जाती है नहीं कोई बड़ी बात नहीं होती है और मैं आप बताने वालों को बताना चाहता हूँ कि नाज़िया जी से बड़ी हमारी पुरानी वाकफियत है और बहुत पुराना चावल इनको बोला जाए तो गलत ना होगा और हम जब शुरू शुरू में फील्ड में आए तो जो चंद लोग थे जिन्होंने हमें हाथ पकड़ा सपोर्ट दी अपने प्लेटफॉर्म्स दिए कि हमारा जहाज वहाँ से टेक ऑफ हो उनमें से एक है जी वाकई और मेहनत आप लोगों की थी आपकी नादिर की और अहमद की बहुत मेहनत थी अहमद बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट तुम दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस उस टाइम पे भी दी और अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़े हो नहीं जी मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि लॉटरी है खुल गई है मुझसे अच्छा बोलने वाला मुझसे अच्छा दिखने वाला मुझसे अच्छा दिमाग वाला मौजूद है लेकिन उनको नहीं सुना लोगों ने हमें सुन लिया ये बस करम है और कोई बात नहीं है कहने वाली बात है सर। आ, आ, कल इस्तेमाल करते हो वैसे बहुत सर आप फैशन डिजाइनिंग में माशाल्लाह आपने झंडे गाड़े आप मॉडलिंग भी की कमर्शियल्स भी किए एक्टिंग भी की आप होस्ट भी रही और पता नहीं रेडियो भी किया है नहीं रेडियो नहीं किया इतफाक से नहीं नहीं, नहीं हर दफा रेडियो पे जाती थी और भाग हाँ, जाती थी अच्छा हाँ, तो मतलब वहां तक रेडियो के माइक तक पहुंच गई थी पहुंच गई थी मैं तो कहाँ पे सबसे ज्यादा एंजॉय किया किस काम ने कमा के दिया हाँ, एक चीज और किस काम ने मेकअप के खर्चे आपके अफोर्ड किए इतने बेहतरीन झूमर डायमंड के पहले में किस काम के तवस्स से लिए हैं इंशाल्लाह ये भी डायमंड के हो जाएंगे खैर करे मैं भी बिल्कुल व्हाइट वा, गोल्ड तो पहना हुआ है खैर व्हाइट गोल्ड भी <laughs> नहीं है ना ये <laughs> आर्टिफिशियल है प्योर आर्टिफिशियल नहीं नहीं आर्टिफिशियल भी ये यहाँ का नहीं है इटली का दोस्त ये यही पर ही बेचती है, है देखे <laughs> मकसद ये है की अच्छा लगना चाहिए चीज पहनी भी देखे आपको लग रही है की प्लेटिनम पहना हुआ है पता नहीं क्या क्या पहना हुआ है बात ये बात इंसान की वैल्यू होनी चाहिए जरा अच्छा और दूसरा ये कि मुझे सबसे अच्छा जो लगता है मुझे अपनी होस्टिंग लगती है साफ सी बात है बहुत ज़्यादा मुझे मुझे पैशन एट तो होस्ट होस्टिंग के हवाले से और दूसरा मेकअप के हवाले से पढ़ती बहुत हूँ मेकअप को बाहर जा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी लेकर आए पाकिस्तान में हार्डली लड़कियाँ हैं जो इस वक्त या लड़के भी हैं जो बाहर से पढ़ कर आए हैं स्पेशली मेकअप बहुत कम लोग हैं तो और इंटरनेशनली सर्टिफाइड होना एक बड़ी बात होती है क्योंकि आप बाहर पर कहीं पर भी जाके आप काम कर सकते हैं और आपको वहाँ के जो है पता है कि किस तरह से बाहर का काम इंटरनेशनल उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक अच्छा नाजी जी मेकअप पे बात हो रही है तो इंडिया लोग बोलते फिर मैं इंडिया की बात कर रहा इंडिया <laughs> यार बर्म फोबिया है इंडिया पे बात करने का इंडियन एक्ट्रेसेस भी मेकअप करती हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी कर इन दोनों को ज़्यादा प्रोफेशनल आप किसको समझती हैं अच्छा मेकअप कौन करता है दोनों का अपनी अपनी जगह पर है काम लेकिन जारी बात है इंडियंस मुझे ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पर ये यह होता है कि बस ये बस काम है चला लो काम मतलब ये 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 इसका नाम ज़्यादा है इसको जो है ना हमने ज़रूर हायर करना है काम पर नहीं नाम पर ज़्यादा हायर किया जाता है जबकि वहाँ पर काम को ज़्यादा देखा जाता है नाम को भी देखा जाता है लेकिन काम को ज़रा ज़्यादा देखा जाता है और दूसरी चीज़ें जब मैं दुबई पढ़ने के लिए गई थी वहाँ पर सर्टिफिकेशंस लेने तो मेरी क्लास में आ, कोई थर्टी फाइव फोर्टी लोग थे जिसमें से ट्वेंटी जो थे वो इंडिया से आए थे तो पाकिस्तान से सिर्फ मैं थी

हाँ ये भी ये भी नुकसान है बड़े नुकसान है, है सोशल मीडिया है, इसके, इसके है आप सोच भी नहीं सकते नुकसान है, <laughs> क्योंकि आप अपनी जो है ना वर्थ खो हैं आपको ये नहीं समझ आ रहा प्रोफेशनली काम किस तरह हो रहा है, तो प्रोफेशनली जो है ना वो, वो लोग वीक लो होते चले जा रहे हैं अच्छा आप माशा खुद इतनी खूबसूरत है कौन है पाकिस्तान होस्ट मर्दों में खान राधा है हाँ। मसूद रजा है वो ठीक तो, तो है हमें इतना प्यारा लगता है वसीम बदामी हमारे भाई अच्छा फिर उसके बाद हामिद मीर कितनी प्यारी मुझे लगती है उनकी ठीक है नहीं भी ये हैं तो हैं सब इनमें से आपको कौन लगता है आपको भाई एक है है, हाँ, वो बड़े हाँ जी अच्छा तो अच्छा इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल को कभी भी नहीं करते हैं, है ना? तो फिर क्या मैं कहती हूँ नहीं नहीं, नहीं नहीं क्योंकि हर इंसान खूबसूरत है अल्लाह ने हर एक को खूबसूरत बनाया हुआ हाँ फिर ये बात है कि अपने आप को आप ग्रूम कैसा करते हैं ठीक है ना अब जिसकी ग्रूमिंग की अगर आप बात करें ना तो करंट अफेयर में करंट अफेयर में चलेगा करंट अफेयर चले उनमें करंट अफेयर से भी बता दें और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट में मुझे ना फहद मुस्तफ़ा अच्छा लगता है इंटरटेनमेंट मतलब, में फहद मुस्तफ़ा हाँ। और दोनों अलग अलग, अलग, अलग अलग है मतलब एंटरटेनमेंट बिल्कुल अलग है और जो करंट अफेयर है बिल्कुल अलग है मैं इन दोनों को जो है ना एक नहीं लेकिन एक चीज है फैसल कुरैशी भी बहुत अच्छा हाँ, फैसल कुरैशी भी अच्छा भी बड़ा फैसल कुरैशी उमर छुपाई हुई उमर चोर हाँ, हैं वो उमर चोर और बाकी मैं मेरे बराबर में खड़े हूँ तो मुझसे छोटे लगते हैं नहीं नहीं बराबर के लगते हैं लेकिन एक चीज है के, आ, जो करंट अफेयर के एंकर्स हैं अब मैंने देखा है कि वो बड़ा हीरो बन के घूम रहे होते हैं ना आ, खान कि सिक्स नाना हाँ मतलब मैं जो हूँ नाइक शिजात इकबाल भी है भूलना नहीं चाहिए उसको भी आ, आ, है। <laughs> तो ये जो है ना एंकर सब अपने आप को हीरो समझने लग गए सब ना कि हम तो हीरो हैं यू नो वी आर बियॉन्ड अब क्या समझते हो तुम एंटरटेनमेंट वाले मेरा हम हम एक हम अलग हैं। हाँ अलग है। तो ये वाली एक चीज जो है ना उनमें गाड़ी भी बड़ी हूँ तो काम पे दें और जो पर्चे लिख लिख आते हैं उन करें अच्छा। अपनी, अपनी से तो बताएं कौन अच्छा अपनी, है? काम पे दे। अपनी सोच पे दे। ये जो हमारे इनमें से कौन अच्छा ये कर फिर मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगता मैंने तो जितना कहना था जब तक पर्चे पढ़ते रहेंगे मुझे नहीं अच्छे लगेंगे जब आप जब वो वो हाँ, जब वो बोर बोलना दिल दिल से बोलें। दिल से बोलें। लिखे दिमाग से नहीं दिमाग से तो बोलते ही है ना ये क्योंकि सियासत में तो दिल तो कर चलता ही नहीं दिमाग नहीं, चलता दिल और दिमाग दोनों से बोले अभी तो आपको मुझे, को को मुझे तो ऐसा लगता है आपको आरनाथ गोस्वामी अच्छा लगता होगा आरनाथ कौन है मुझे जानती भी नहीं

और म्यूट करके है मजे का हाँ म्यूट करके आ, ये सुना रहा 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 है मजे का सुना नहीं जाता आ, अच्छा जी शाहरुख खान से भी आपकी मुलाकात हुई हाँ। ये मेरा फेवरेट पार्ट है शाहरुख खान से आपकी मुलाकात हुई हाँ। और असली शाहरुख खान से <laughs> असली, असली शाहरुख खान से और आप किसी मॉल में थी शाहरुख खान गुजर गया और आप का, ये, का ये, देखा ये कहीं देखा है ये क्या जी? हरकत हुई थी मुझे तो बताएं आप मैं चाहता हूँ ऑडियंस को बताएं हाँ। कि शाहरुख खान से कैसे मुलाकात हुई अच्छा लोग ना बड़े समझ रहे होंगे कि ओ पता नहीं शाहरुख खान को ये लेकिन सीरियसली उसके बाद से शाहरुख खान मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया पहले पहले नहीं लगता पहले नहीं लगता था मैं उसकी फिल्म में भी नहीं देखती थी ज़्यादा ना मतलब दो हज़ार की बात है उस वक्त और नई नई उसकी एक फिल्म आई हुई थी अनुष्का के साथ ना उस वक्त आने वाली थी और इसी फिल्म की शूट के लिए रब ने बना दी गजरी आई थिंक सो रब ने बना दी जोड़ी वाली थी आई थिंक सो रब ने वो सॉरी वो तो सलीम अफरीदी की पैरोडी फिल्म थी हर रब ने बना दी जोड़ी <laughs> थी। <laughs> थी। तो, तो, हम असल में वो सिकंदर सनाम और ये उमर शरीफ से बाहर ही नहीं आए हुए थे बाग वही और वो कहां कमाल के लोग कमाल के लोग है जब ही मुंह से कोई निकल गया तो मेरा सीन ये हुआ था वहां पर कि अच्छा शाहरुख खान मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगता था मैं और मेरी दोस्त जो मॉल में हम लोग तस्वीरें वो मेरी खींच रही थी वो लंडन में ही रहती है ख़ुद तो उससे मेरी तस्वीरें खींच रही और वहाँ से पहले एक आदमी सामने से गुजरा ये सेल्फ सेल्फ्रेजेस वहाँ पर है बहुत बड़ा स्टोर है लंडन में ना तो वहाँ से पहले एक बंदा गुजरा सामने से फिर दूसरा बंदा गुजरा जब तीसरा गुजरा तो मैंने यूँ क्योंकि मैं कहा है ठीक है अच्छा चलो यार तस्वीरें खींचो अपने दोस्त को मैंने कहा चले गए हैं लड़के उनके लिए हम रुक गए थे कि लड़के गुजर जाए फिर हम पिक्चर खींचे पिक्चर पिक्चर खिंचा ली उसके बाद फिर हम बाहर निकले जब मैं हाँ मैं मैंने उठे हाथ पे देखा मेरे फिर वही लड़का खड़ा हुआ मैंने कहा अच्छा है हाँ फिर आगे फिर हम लोग राइट पिक्चर देखे वो लेफ्ट पे खड़ा हुआ था तो राइट पे जैसे ही गए मैंने कहा मेरे साथ नौरिन मेरी दोस्त ने कहा नौरन ऐसा लग रहा है कि ये शाहरुख खान है कह रही है पता नहीं उसे वैसे कोई एक्टर नहीं पसंद कह रही है पता नहीं मैंने कहा सुन देख अपने को शाहरुख खान पसंद हो नहीं हो लोगों को तो पसंद है चल चल के तस्वीर खिंचवाते हैं उस वक्त मैं कहता 2011 की बात है मोबाइल नहीं थे लेकिन मैं कैमरा रखा हुआ था ये मेरे साथ 10 स्टार वो जो वो डिजिटल कैमरा वो जो बटन दबाया तो यूं आता था आगे आ, नहीं 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 हाँ हाँ, 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 हाँ वही वाला अभी भी रखा हुआ है तो उस कैमरे के साथ में खैर वहाँ पर वापस मैं मुड़े हम लोग जाके मैंने कहा मैंने कहा आर यू शाहरुख खान उसने कहा यस

डिग रोड बता रहा है कि डिग रोड और खुदादात कॉलोनी और शैतूत का पेड़ और ये वो सारी चीजें हैं वो उन लोगों की मेमोरी आप देख रही हैं अह जबरदस्त है वो ये ये एक चीज है कि वो लोग जितने भी बड़े हैं लेकिन वो हमेशा जो है ना वेरी डाउन टू अर्थ मतलब जब मिली भी तो सब डाउन टू अर्थ बस उस जो तस्वीर थी ना तो मेरे मियां ने बोला ये इसने यहां पे हाथ क्यों रखा शाहरुख खान ने तो क्या हुआ <laughs> तो क्या हुआ मैंने कहा वो उसने ऐसे करके उसे पकड़ा थोड़ी उसे खाली हुई जेस्टर के तौर पे रखा मेरा। <laughs> तो खैर ये एक मजाक था फिर हम लोग का चलता रहता था ये मजाक नहीं क्या बात है जी मिलियन डॉलर पिक्चर हां मिलियन डॉलर पिक्चर नाउ आई थिंक सो इट्स रियल रियली मिलियन डॉलर इसलिए कि शाहरुख खान और टॉप पर चला गया मतलब और ऊपर जाता गया मतलब किसी ऐसे बंदे के साथ पिक्चर नहीं क्योंकि ये लेवल तक पहुंचने के लिए ना एक या दो दिन या लोग जो पोस्टर्स लगा देते हैं ना उससे नहीं बनता ये मेहनत करनी पड़ती है तक आने के उसने तो बल्कि कहा था इज लास्ट ऑफ द स्टार्स और ये बल्कि मुझे इतने मेरे इंडियन यूट्यूबर्स को लीक ने बताया जिन्होंने शाहरुख के साथ कोलेबरेट किया बोला हाँ। यार नादिर ये सबसे पहले कंफर्टेबल करता है इसे पता है कि मैं कितना बड़ा स्टार हूँ और दिमाग बंद हो जाता है सामने वाले का जाहिर है तो ये पहले आपको कंफर्टेबल करेगा बातें करेगा आपको बोलेगा यार आपको कहीं देखा भी है मैंने ये हालांकि हो सकता है नहीं देखा नहीं वो सिर्फ हाँ. दिल रखने के लिए फिर उसके बाद शकील सिद्दीकी सामने मुझे एक बात बताई थी कि शाहरुख खान शकील सिद्दीकी को बोल रहे हैं यार एक काम करें आप आपके बच्चे कितने हैं उनके लिए वीडियो बनाते हैं अच्छा शाहरुख खान तो खुद कह रहा है वो आप कैन यू इमेजिन शाहरुख खान शारउट का कह रहा है बनाते हैं उनका नाम लेता हूं मैं उनको दिखाइएगा अब क्यों क्योंकि शाहरुख खान को पता है कि ये बात आगे कह देगा तो मैं खुद ही कह दूं बिल्कुल लोग कहते हैं जाहिर हम है हमसे तो शाहरुख खान है तो ये चीज़ उसका स्टार्ट को और बढ़ा देती है उसका डाउन टू अर्थ होना सारी चीज है खैर जबरदस्त भाई शाहरुख खान सर मॉर्निंग शो होस्ट की किंग और क्वीन किंग तो नहीं क्वीन कौन है पाकिस्तान की एक देखिये नादिया खान तो कभी भी मतलब वो नंबर पे जा ही नहीं सकती क्राउन क्राउन, उन्हें पहना दिया जाए Crown, Crown तो वो ही पहनेगी मॉर्निंग शो को बहुत ज्यादा टॉप लेवल पर लेकर और जिनकी वजह से मॉर्निंग शोज को एक बूस्ट मिला उससे ज्यादा बेहतर मैं नहीं मान सकती कि कोई और बेहतर हो सकता है आ, फिर हम ये कहेंगे कि आजकल निदा आ, अरूज पर हैं बहुत ज़्यादा माशा शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब और अल्लाह उनको जो है कामयाब इसी तरह ही रखे क्योंकि शी वो और उनका चैनल ए आर वाई मैं कहूँगी कि उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया जब सब मुखालिफ हो गए थे मॉर्निंग शोज़ के तो उन्होंने मतलब वो खड़े रहे हैं वो लोग एक वो भी और टी वी वन भी मैं कहूँगी कि वो भी अभी तक जो है अपनी जगह पर सस्टेन कर रहे हैं सो so, ये एक चीज़ है वर्ल्ड कप ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वर्ल्ड कप पे बात ना हो पाकिस्तान इस टाइम समझ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है वापसी की भी टिकट कराई हुई है और सेमीफाइनल की भी राहें खुली हुई हैं समझ नहीं आ रहा एक पैर यूं है एक पैर यूं है <coughs> तो क्या लग रहा है सबसे पहले पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल में जा रहा है तो दिल के आ, आ, हमेशा से दिल तो यही कहता है कि अल्लाह करे जाए क्योंकि हमारे साथ हमेशा फॉर्चुनेट यही होता है कि ये जीतेगी तो वो हारेगी तो वो हारेगी आज हम इसका साथ देंगे आज हम उसका साथ देंगे आज ये जीतना है आज उसने अल्लाह करे बारिश हो जाए और बारिश हो जाती है मतलब हो जाता है और ये आप देखें न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ है हाँ। वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो मतलब कहाँ से बारिश आ गई किसी ने सोचा था क्या नहीं किसी ने भी नहीं सोचा था अगर ये कोई कहता ना कि 400 रन तक बना लेते मुझे अभी भी, भी बिलीव नहीं होता कि 400 तक ठीक है बेशक फ़खर ने बहुत अच्छा खेला नो डाउट अबाउट इट लेकिन फिर भी 400 मुझे नहीं लगता था कि हमारी टीम हो, हो पाएगी नहीं वो हाँ, मैं तो, तो सच्ची बात है कि अगर विकेट गिरती ना तो लाइन से गिरती एग्जैक्टली शुक्र करो बारिश हो गई लेकिन अफगानिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ उसको विकेट एयर तक भी जाए मैक्सवेल ने जो उड़ाया है यकीन कर मैक्सवेल अगर देख रहा है तो आए हाय हाय <laughs> ना दोनों पैर चल रहे हैं ना एक हाथ चल रहा है एक हाथ से छक्के मार रहा है उठा उठा के भाई क्या बात है यार क्या शॉट क्या अच्छा मैं उनके इसको कहते हैं हलक से निकाल के लेके आना ये, ये वाकई वो मैं तो उस वक्त बस हैरान कि ये हो क्या रहा है मतलब हो कैसे अच्छा नाजिया एज ब्यूटिशन आप फैशन का इतना सेंस रखती हैं विराट कोहली को आप देखती हैं उसको दुनिया का फैशन आइकॉन बना के पेश किया गया है और है भी और बड़ा ग्रूम हुआ हुआ है एज कम्पेयर टू बाबर आजम आपको क्या लगता है कि बाबर आजम की ग्रूमिंग किस लेवल की है या मजीद होनी चाहिए या उस लेवल की है या कोहली से अगर हम कंपेयर करें ग्रूमिंग ग्रूमिंग वाईस। ग्रूमिंग वाइज वाइज बात है विराट कोहली का इस वक्त कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि विराट जो है वो बहुत मतलब ग्रूमिंग के हवाले से बात हो रही है खेलना तो वैसे भी किनके अच्छे लुक्स है अगेन मेरी मेरी नजर में लुक्स हर एक के अच्छे होते हैं इट ऑल डिपेंड्स आप किस तरह से अपने आपको ग्रूम करते हैं अच्छा अगर कोई अपने आप को अच्छा ग्रूम कर लेता है तो अब देखिए उनके पीछे होती है पूरी टीम हाँ। कैसा पहनना है कैसा दिखना है कैसे बात करनी अब जब विराट आता है तो विराट बात करने का ये स्टाइल होता है और होता है। मैं जब <laughs> नहीं नहीं एक्सेंट देखें चलो ठीक है एक्सेंट का भी मसला नहीं है थोड़ा लेकिन वर्किंग करनी चाहिए अपने इस से कॉन्फिडेंस से आप बात करें आपने एक पिच पे बात करनी होती है आपको फेशियल एक्सप्रेशंस जो है ना वो बार बार अप डाउन नहीं करने होते हैं आपका कॉन्फिडेंस आपकी आंखों से नजर आना चाहिए ऑस्ट्रेलियंस तो है, है आप देखें हारते भी है तो मतलब उनको चढ़ा हुआ है, है ना पाकिस्तानियों इंग्लैंड जिससे कर्जा लिया हुआ वही सामने खेल रही है उनके सामने कैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं 1992 में भी था लेकिन तो इमरान खान जो है वर्ल्ड कप लेकर आया खान साहब थे ना वो बाकी टीम भी मतलब है बाकी भी तो थे लेकिन मुद्दसिर नजर भी थे पता नहीं कौन <laughs> <और> थे <laughs> सबके एटीट्यूड आपको ऐसे ही लगे किसके वा... 92 की वर्ल्ड कप टीम 92 के वर्ल्ड कप में खान साहब ने देखिए खान साहब और मियांadat मैं दोनों को

बस उस वक्त इमरान खान ने बहुत अच्छा खेला था और तीनों वर्ल्ड कप में खान साहब थे और एक जीता उसी, है। उसी 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 वक्त की बात है लेकिन मैं कह रही हूँ फैन कब से बनी मैं फैन उस वक्त से बनी थी और अगेन वही बात कहूंगी कि एक दिन में इंसान जो है वो शोरत नहीं हासिल करता। सही सही इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पोस्टर्स लगा लगा के नहीं शोहरत हासिल की जा सकती या आपने आपको जबरदस्ती सोशल मीडिया में लाकर आप शोहरत नहीं हासिल कर बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत हमें सामने नजर आती है अच्छा आजकल टिकटॉक लाइफ का एक ट्रेंड चल रहा है और माजरत के साथ बड़ी बेहियाँ ज्यादा प्रमोट हो रही हैं खाती बैठी नहीं है गंदी टॉक्स हो रही हैं और मांगा जा रहा है पैसे मांगे जा रहे हैं किसी ने शेर मार दिया किसी ने क्या इनाम दे दिया किसी ने क्या ये क्या है ये अजीब कल्चर क्या है ये अच्छा हर चीज में मैंने आजकल ये देखा है कि जितनी ज्यादा ओपन चीज होती है और उतना ज्यादा जो है वो ज्यादा चीज़ बढ़ती भी चली जा रही है ठीक है ना मतलब आपका कोई एथिक्स नहीं रहे ठीक है ना एक सोशल एथिक्स होते थे हर चीज़ के एथिक्स होते हैं तो अब सोशल मीडिया एथिक्स तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए ना बिल्कुल चले गए हैं जितना आप जो है ओपन काम करें उतना ज़्यादा वो दिखता है ना तो बात यह कि यहाँ पर तो है इस पर टिकटॉक पर पैसे नहीं मिल रहे होते इतने जितने आपके बाहर के मुल्कों में तो वहाँ पर पैसे भी मिलते हैं आपकी वीडियोस पे भी पैसे मिल रहे होते हैं यहाँ पर यह कि आप जब तक किसी को कोई गिफ्ट ना दें वो तो हर जगह पर गिफ्टिंग का सीन है इवन फेसबुक पे भी गिफ्ट दे रहे होते हैं इंस्टा पे पाकिस्तान में नहीं आया है, लेकिन दूसरे ममालिक में भी, भी गिफ्ट दे रहे होते हैं तो ये जो गिफ्ट वाला सीन है ये चलो और मैंने देखा है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मिल भी रहे होते हैं जो उनके फेवरेट्स होते हैं जो उनको पसंद कर रहे होते हैं लोग दे भी रहे होते हैं लेकिन जो आम लोग जो आके इस वक्त जो मीडिया में आकर इस तरह सोशल मीडिया में आके तो ऐसे लग रहा होता है भीख मांग रहे हैं <laughs> कि प्लीज डिजिटल भीख हाँ डिजिटल भीख है कि एक गुलाब का फूल तो देस रुपए का है सौ रुपए का है चलो हजार रुपए का है चलो लाख रुपए का है लेकिन है तो भीख ही ना अच्छा ये तो ये

था तो कुछ काम नहीं था तो मैंने कहा चलो लेट्स लेट्स मेरी दोस्त से मुझे बताया ना जी, आप भाग जाए से ये तो बेकार सीन है बिल्कुल ही अच्छा हमने सारी जिंदगी असल में होस्टिंग ही की है हमारा काम ही आ, होस्टिंग है आ, मीडिया से रिलेटेड ही काम है अब मैं एक और चीज ये भी देख रही होती हूँ कि ज्यादातर अब जो नया जो चेहरे भी आ रहे हैं ना दो चीजें या फिर तो जी वो बहुत ही कम पैसों में काम कर लेती हैं लड़कियाँ लड़के भी चालीस चालीस हजार में पूरा पूरा महीना मुझे याद है जब मैंने आ, 2005 में ज्वाइन किया था उस वक्त हमारी तनख्वाह थी आ, एक लाख रुपये ठीक है ना उस वक्त ये हमारी तनख्वाह थी अब आप देखिए उस वक्त के आप लिहाज से आज देखें साढ़े चार पांच लाख तो होगी ना तनख्वाह वैल्यू ऑफ मनी के साथ तो अब जो चालीस हजार में आज कल लड़कियाँ काम करी है, पूरा पूरा महीना वो आप देखें कि वैल्यू ऑफ मनी तो आपने वो क्या हमारी भी वैल्यू खराब कर दी नहीं मार्केट खराब कर दी बिल्कुल हाँ। बेशक ऐसा ही है लेकिन हो सकता है उनकी प्रायोरिटी कुछ और हो वो पैसे को प्रायोरिटी नहीं दे रही मिल जाए किसी अच्छा, जाये जाये ये किसी। भी एक चीज है द्रामों द्रामों में मिल भी थोड़ा सा नोटिस हो जाए हाँ ड्रामो में भी होता है ये मैंने आ, काफी ज्यादा और ये पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में ये चीज है कि आपका चेहरा मीडिया पे फेमस हो गया तो उसके बाद आपको जो है ना काफी काम और मिल जाए ये एक चीज़ होती है आपने बस एक दफ़ा अपने फेमस कर और ये माजद के, के साथ ये खैर कहीं भी फील्ड की बात नहीं है ये कहीं भी हो आ, बुरी चीज़ बुरी होती है गिव एंड टेक कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं कि ये क्योंकि हम इस फील्ड में हैं तो ज़ाहिर है यहीं की बात करते हैं कि अच्छे लोग भी हैं बुरे भी लोग हैं अच्छे लोग हैं नो डाउट बिल्कुल अच्छे लोग हैं बिल्कुल अच्छे लोग उन्हीं की वजह से चल रही है पॉजिटिव भी काम आ रहा है यस हम जैसे लोग वो उन अच्छे अगर हम टीवी पे नज़र आ रहे होते हैं ना तो हम उन अच्छे लोगों की वजह से नजर आ रहे होते हैं क्योंकि जहाँ पर कोई बुरा मामला आता है ना सीरियसली मतलब ऐसे ऐसे लोग एक तो कमीशन का सीन बहुत ज़्यादा चल रहा है एक कमीशन वाला क्या, क्या बला है? ये बला ये है कि कोई प्रोड्यूसर होगा या कोई आ, आ, आपके वहाँ पर किसी शो का कोई जो है ना हेड कर रहे होंगे आपस में पूरी टीम टीम में ये होगा कि वो प्रोड्यूसर होगा हेड होगा उस प्रोजेक्ट का वो लोग कमीशन पे काम करते हैं कि इस बंदी को या इस बंदे को हायर करो और ये सिर्फ इसमें नहीं हो रहा ड्रामास में या होस्टिंग में या एंटरटेनमेंट में ये न्यूज़ चैनल्स पे भी ये चीज़ हो रही है वो कि वो। जो एंकर्स हैं आपने देखा होगा नया नया एंकर बात भी नहीं करनी आती जी वो छः छः लाख तनख्वाह ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं तो पता चलता है कि वो जी वो अंडर द टेबल वही वाली बात है परचों के अलावा पैसों का भी लेन देन होगा फर्स्ट हैंड नॉलेज है इसकी ये पहले वाक्सियस आई थिंक काफ़ी लोगों को पता चलेगा जी कमीशन बेस भी काम हो रहे हैं जी कमीशन होता है आप इतने प्रोड्यूसर को पैसे दो तो जी ये होंगे ये वाला सीन भी। अच्छा फिर जान पहचान से बहुत ज़्यादा है जी ऊपर से ऊपर की जान पहचान बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो वो फिर जी उनको जो है काम मिल जाएगा ये एक और तो टैलेंट जो है ना कहती हूं अच्छा बेटा अब तू ऐसा बदनाम होगा ना कि जिंदगी में याद रखेगा एक दफा ये हुआ था चैनम चैनल का नाम नहीं लूंगी एक दफा नहीं दो तीन दफा लेकिन दोनों को इतना बदनाम कि एक को तो काले पानी की कमबख्त को सजा हो गई थी अब आप देखें उम्र देखें मेरी

अपनी नज़रों में भी गिराया अपने ख़ानदान को भी अपनी नज़रों में गिराया और अल्लाह के सामने भी तुम गिर गई ठीक है ना अब तुम सब ने तुमने और मैंने कहा तुम्हें काम भी नहीं मिला मैंने कहा इस चीज़ से ज़िंदगी में याद रखो काम नहीं मिलेगा सिर्फ तुम्हें जहर मिलेगा और कुछ भी नहीं तो ये एक किस्सा नहीं एक और बच्ची भी ऐसी आई तो मैं मैं उन बच्चियों को उन माओं को जो इस फील्ड में लेकर आ रही हैं प्लीज़ इस मामले में अपनी बच्चियों का ख्याल रखें क्योंकि काम इस तरह नहीं मिलते हैं पीपल दे डू मिस यूज़ यू मिस यूज़ करेंगे अच्छा मैं कैसे सोच रहा एक मार्केटिंग में एक हेड था उसने जो है आप जो है क्या मतलब है मैंने कहा मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए काम मतलब ये समझते हैं कि हम काम के भूखे हैं अरे नहीं चाहिए काम भाई हमारे पास और दस काम है हम वो का, काम कर लेंगे हम आपको नहीं पता होगा हम मेकअप आर्टिस्ट भी हैं बिजनेस भी चला रहे हैं हम हमें नहीं जरूरत हाँ फिर वही वाली बात इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं अच्छे हैं तो हम काम कर सकते हैं ठीक है ना अब आपकी मैं ज़रूरत नहीं अच्छा उसी टीम की एक बंदी थी जिसने एक ब्रांड जो मुझसे करवाना चाह रही थी ना ब्रांड का काम अब वो से कहा कि नाजिया ये ये ब्रांड है तुम कर लो कि उसी की छोटी बच्ची थी मैंने कहा बेटा आपके जो बॉस है ना उन्होंने ऐसी बात की क्या मैं तो मुँह पर बोल देती हूँ मतलब बच के रहे कोई भी मुझसे मैं मुँह पर बोल दिया अच्छा ऐसी बात की वो चली गई अपने बॉस के पास बॉस आपने ऐसी बात की उसके दो बच्चे भी बॉस नहीं 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 मैंने तो कुछ भी नहीं कहा वो तो मैं पुराना जानता था मैंने तो ऐसी मैं तो चाय की ऑफर कर दी थी

बच के रहें अपने नहीं मैं तो इससे बरक्स ये बात बोलूंगा कि जो कर रहा है वो होश के ना ले और आ, बचे भाई खुद भी अपने आप को भी बचे और ये हरकतें भी ना करें अच्छा उसके बाद मैंने पता क्या देखा है सीरियसली जो ये हरकतें कर रहे होते हैं ना लोग मेरी आंखों के सामने जिन जिन ने भी हरकत की है ना वो इस फील्ड में रहे उनको नेचुरली अल्लाह तरफ से सजा भी मिली है और ऐसी ऐसी सजाएं मिली है ना कि वो ना वो इस दुनिया में काबिल रहे मुंह दिखाने का अल्लाह का तो वैसे मुंह दिखाने का भी और उनकी जॉब्स भी छिन गई हैं अपने रिस्क से वो चले जाते हैं बस अच्छा जी कॉमेडी भी आपने की कॉमेडी मैंने की नहीं कॉमेडी हो गई काम किए हो गई लेकिन कॉमेडी की आपने ह्यूमरस हूँ मैं ह्यूमरस हूँ कभी कभी तो कॉमेडी में कौन पसंद है कॉमेडी देखिए

अच्छा देखे उमर शरीफ और मुइन भाई का नाम उमर शरीफ नहीं नाम नहीं का नाम ना आप इस हाँ। तरीके से लिया करें ह्यूमर शरीफ हाँ ह्यूमर शरीफ वाकई मतलब वो ऐसे के आज भी उन, उन, क्लिपिंग्स इवन मैं मुईन अख्तर साहब मोइन अख्तर साहब ग्रेट 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 मतलब ग्रेट। आउट क्लास बहुत ही मतलब उनका जो है ना मैं बहुत सिचुएशनल कॉमेडी और अल्लाह आपका भला करे कोई करेक्टर कॉमेडी में उनका कोई सानी नहीं और

कैटेगरी किसी को ना दो बिल्कुल ये तो नहीं मिल सकती <laughs> अच्छा एक्सरसाइज के हवाले से कोई टिप्स देंगी कोई विशेष टिप्पणी कोई पेट वेट तोंद कैसे हम अंदर करें क्या मामलात हैं अच्छा मैं आपको बताऊं हाँ एक्सरसाइज नहीं, नहीं करनी मैंने क्यों सुनिएगा मेरी बात और डाइट पे भी कंट्रोल नहीं रखना इसके अलावा बताएं कैसे करें देखिए डाइट पे कंट्रोल नहीं करना तो हवा खाएं हवा खाएं और पानी पिए <laughs> ये दो चीज़ें अगर वाकई पतला होना होना है होना है तो फिट ना देखिए खाने पे पाबंदी मैं मैं नहीं लगाती अच्छा मैं छोटी सी एक बात ऐड कर रहा हूँ आप बोलिएगा हाँ। मैं पतला नहीं होना चाहता मैं फिट होना फिट। चाहता हूँ अभी क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ मुल्क से बाहर जब जाता हूँ तब हमें अपनी फिटनेस का पता चलता है जब हम पैदल चलते हैं दो पैर हैं हमारे अब हमें पता चलता है कि 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 हम कितने फिट हैं। मैं चाहता कि इस में आई एम हैप्पी, लेकिन फिटनेस मेरी ऐसी हो लोग हाँ हो हो। हाँ, तो आपको रोकने की जरूरत भी नहीं है ठीक है ना खाने को मेरे से, वो तो इतना अच्छी बातें करते हैं बड़े तो हस्बैंड इतने गुड लुकिंग है और, और फिट भी हैं फिट ख्याल है मेरे ख्याल जिम हॉलिक हैं वो हाँ, बहुत जिम बहुत करते वो आ... हैं वो चीजें छोड़ देंगे लेकिन जिम नहीं छोड़ेंगे हाँ तो ये बिल्कुल अच्छी बात है और वो पठान वो अबू की तरफ से कश्मीरी हैं हां अम्मी की तरफ तो से पठान हैं तो माशाल्लाह से इज हैंडसम इवन और लेकिन देखिए फिर मैंने कहा ना कि हैंडसम होना बात नहीं होती अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखने वाली बात है जो अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखेगा वो बेस्ट है इसके लिए खाने में आपको ऑयल छोड़ना पड़ेगा ऑयल ऑयल छोड़ना पड़ेगा। छोड़े, मुर्गी बनाए गोश्त बनाए अल्लाह ने उनके अंदर नेचुरल ऑयल्स दिए हैं, उसको इस्तेमाल करें नेचुरल चर्बी डाल दें आप उसमें उस उससे पकाएं, आप ढक दें मसाले डालें आपको टेस्ट जबरदस्त मिलेगा जब आपको वो ऑयल छोड़ करना जो सिंथेटिक ऑयल है नेचुरल ऑयल की तरफ आएंगे ना तो आपको खुद ब खुद दिल करेगा कि मैं मतलब खाना ज़्यादा भी खाने को दिल करेगा और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा सेकेंडली आपने अगर रोटी खा रहे हैं तो आप चक्की के आटे की रोटी खाएं ठीक है आपको देखें कहीं पर भी खाने से नहीं रोका गया सबसे पहले ऑयल से रोका ठीक है ऑयल से आपने छोड़ दिया फिर एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं होती ना ज़्यादा सीढ़ियाँ घर पर हैं चलें उतरें ठीक है फिर आप अपनी बॉडी शेप एक्सरसाइज करें जो घर पे आप कर सकते हैं एक्सरसाइज कहते हैं वो अब मशीनों की भी जरूरत नहीं है घर पे एक्सरसाइज रात को, को, को क्यों भूख लगती है रात को क्यों भूख लगती है क्योंकि हम अपने सिग्नल दिमाग को खुद दे देते हैं सिग्नल उसको कहें भूख नहीं लग रही भूख नहीं लग रही भूख नहीं लग रही अपने आपको आप नहीं को लग रही भूख नहीं लग रही बिरयानी ले आओ भूख नहीं लग रही भूख नहीं लग रही भूख नहीं लग रही और बिरयानी को देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं है बिरयानी बहुत बुरी बनी हुई है अच्छा घर वालों को बोले कि टेस्ट थोड़ा खराब खराब कर का। कर। पूरी करवा रही क्या दो हजार रुपए किलो बकरा है <laughs> तो, तो, तो शोरवे वाला खाए झगड़ा करता हूँ इस बात वाला खा ले चावल को डबल बॉइल करके खाए एक दफा बॉइल करें पानी गिरा दें फिर दोबारा बॉयल करें सीरियसली टेस्ट नहीं होगा खराब बड़ा मजे का टेस्ट होगा आप खा सकते हैं उसका आपको खाने में क्या पसंद है मुझे मैं हर वो खाना खाती हूँ हर वो खाना खाती हूँ <laughs> जो मेरे हाथ का बना हो। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया okay. मैंने कहा खाने में क्या पसंद है पति 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 किसको कहते हैं हिंदी में मियाँ को कहते हैं <laughs> मैं समझी चाय की पत्ती की बात कर रहे हैं नहीं नहीं वो मैं नहीं नहीं वो मैं नहीं वो भी खाते हैं हाँ। <laughs> <laughs> हां तो आप क्या खाती है मैं बेसिकली जो खाना होता है ना वो मेरा वो जो जो वाला आप पूरा महीना पूरा साल आप समझती है कि यार ये खा सकती हूं मैं एक चटनी बनाती हूँ खुद टमाटर टमाटर और प्याज की वहां बहुत चैलेंज होता है बहुत अच्छी वो मैं पूरा महीना मैं उसे हफ्ते के लिए रख छोड़ती हूं वही खाती हूं बासी भी हो नई भी हो फ्रेश भी हो लेकिन वो ऐसे अच्छा वो चटनी भी भी एक बड़ा मज़े का सीन है कि उस एक तो वो उसमें ऑयल नहीं होता दूसरे तो उसमें मज़े का जो सीन है ना वो ये है कि आप वो चपाती के साथ भी खा लें वो चावल के साथ भी खा लें खिचड़ी के साथ भी खा लें आप किसी भी चीज़ का खा सकते हैं तो वो और वो डाइट वाली है क्या बात है चटनी मनवाते हैं आपके लिए अच्छा लेकिन एक ये है और कुछ चीज़ें जो बासी नहीं होती मैं समझता हूँ आप निहारी आप एक दो दिन पुरानी खाएं आप कड़ी पुरानी खाएं कड़ी जितनी आप पुरानी खाएंगी उतना उतनी अच्छी लगेगी खासतौर पे हलीम आम, भी। हलीम बहुत पुरानी और वो हो जाती है हाँ। अच्छी हो जाती है फिर उसके बाद अंडा ऑमलेट जो होता है हम जब स्कूल में थे हाँ। जब लंच में ठंडा ऑमलेट खाते थे वो कितना अच्छा वो लगता वो था, था यार आउट क्लास याद है है अच्छा था हाँ। गंदगी से करके बनाया बंदा <laughs> मुझे नहीं <भी> चाहिए <laughs> ये ये वाला दूसरा गंदगी से बना रहा है <laughs> तो बंद वाले, हाँ ठेले हाँ, वाला या दुकान वाले एक वाला बहुत अच्छा है एक हमारे बहुत अच्छा है एक आपको दो मिनट चरंगी एक ही जगह है और जगह को आपने थोड़ा सा इग्नोर कर देना है गाड़ी में ही बैठ के मंगवाना महनीस गंदी अली डाल के देता है उफ़ आउट क्लास हाँ। मैं अक्सर जाता हूँ अच्छा मेरा जो बंद कबाब है ना बड़ा अनोखा है मे, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं बड़ा पता है मैं जहाँ जाती हूँ टिक्के को पानी में पकाना है अच्छा जी वो दाल जो है ना वो पानी में पका कर लानी है तड़का नहीं डालना अच्छा सब्जी सब्जी भी पानी में पकानी है तेल नहीं डालना ये मेरा अब दोस्त भी मेरे मजाक उड़ाने लग गए हैं कि तुम जहाँ जाती हो तेल को तुम माइनस कर देती हो अच्छा और फिर अब तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ये कहते हैं कि हाँ केक खाना है इसको केक भी इसको धो कर दे दो और सीरियसली एक दिन मैंने केक भी धोकर खा लिया मैंने केक धो कर खाया उसमें से ऑयल चीज़ सब निकाल कर उसको एक बाइट लिया मैंने कहा कितना अच्छा ये अब जो नहारी और इन सब चीज़ों की बात करें सर्दियाँ हो गई हैं मुझे खाए हुए निहारी खाई नहीं जाती है मतलब यूज टू हो गया ना स्टमक के खाना ही नहीं है ये सब कुछ बस बहुत मुंह का मजा कहीं और की सजा फिटनेस के लिए आपको बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं ना ये दे रहे हैं। ये बात है बिल्कुल है हाँ। बिल्कुल है नहीं मैं मेरा दिमाग बना दिया आपने है ना यार ये पीर साहब ये निहारी वहारी खत्म करे भाई यहाँ टीम में ना हेल्दी खाना आएगा और ये बात ये मैं आप हाँ। आपसे मैं ये कह रहा दो रोटी <laughs> अच्छा जी <चीज़ laughs> <कर> तो। <laughs> पाए का तो कोई बह नहीं कह सकती लेकिन निहारी की एक चीज कुछ नहीं कहिएगा प्लीज पाए बहुत प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर वो यूं यूं करके जो हाथ चिपचिपे हो जाते हैं ना और वो जो नल्ला होता है और यूं करके रोटी के साथ आप नल्ली उठाते हैं और यूं करके तैरता है आधा हाथ आपका भीग आप जाता है और यूं करके मिर्चे हाँ वो यूं करके यूं करके जो खींचते हैं आए देखिए बदतमीजी वाला आइटम है उसे आप अकेले खाए सबके सामने महफिल में रखने वाला आइटम नहीं है मैं समझता हूं पाए हो गए आम हो गए आम

अच्छे खाने बताएंगे तो फिर कहाँ से दिल करेगा वो डाइट करने का है देखिए ना अब आपने हमारी हाँ। एक क्रेविंग निकाल दी आप करूं? अब मैं क्या करूँ अभी भी भी लग मुझे तीन चार दिनों से ना मछली का बड़ा दिल कर रहा है मछली जो होती है ना ग्रिल मैं अक्सर खाता हूँ वहाँ पे बंगाली ये किवाड़ी पे जाके रेड स्नाइपर होती है और वो ग्रिल होती है आउट क्लास आपने नींबू उसको निचोड़ा हुआ है और उसको बस हल्का सा यूँ उठाया और उनके पास हरी चटनी होती है वो डिबो के ना हाँ, बस हाँ, चपाती वगैरह हाँ, कुछ ना अकेली, अकेली, ये बहुत यार मैं कहा से पॉडकास्ट कहाँ से कहा चली गई है चली गई इतने सारे खाने मैंने कभी सोचे शितर खाया है गय आपने शितर नहीं खाया नहीं खाया बीफ वाला मजा आता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा जफर जेडीसी से वो जब बनाएंगे अपने ट्रस्ट में तो क्योंकि मिली भी ना गई वो बनाते हैं भाई हमारे तो हम चले आएंगे उन्होंने खिलाया मुर्ख खिलाया अफतारी में और शहरी में अच्छा। जी शहरी में तो लाजम खिलाया शर मुर्ख कटते थे, थे बाकायदा एक आध दिन तो उन्होंने अनाउंस किया था वो अपना याक जनाब यस मेरे यहाँ कुर्बानी में ऊंट भी होता है अच्छा ऊंट होता, होता, होता है बकरा होता है दुमबे होते हैं ऊँट का नहीं खाया आपने का उसकी जो सलामी होती है ना उस सलामी थोड़ी निकाल के और वो एक रान का गोश्त मिक्स करके ना चपली कबाब उसके बनाया मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत मेरे बेचारे जो खाने हैं वो बेचारे बैठ गए अरे क्या बातें कर रहे है ये देखना क्या बातें कर रहे है

बल्कि एक हमारे सिंगर से रहीम शाह भी ले लेता हूँ उन्होंने एक दफा कहा था हम खाना खा रहे हैं बोले यार ज्यादा खाने खाने वाला ना जल्दी मरता है मैंने कहा यार ये क्या बोला अगर मिसाल के तौर पे तेरी जिंदगी में तीन पराठे रह गए रिस्क उठा लिया ना रिस्क खत्म तो मुठ गया जल्दी खा लिया और वो तीन पराठे आपने तीन दिनों में खाने और आपने खा लिया आज

जल्दी खा रहा है hmm. भाई क्या बात है भाई भाई मज़ा आ गया और खानों की बातों पे हम यहाँ पे एंड करेंगे नाजिया जी मैं कहता हूँ कि मजे को मजा आ गया थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया हुँ. बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपसे हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आती हैं मिलती हैं एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपके अंदर से और आप नकली नहीं हैं आप असली हैं ये मैं आपको क्रेडिट दूंगा कि आपके अंदर जो मैं बहुत लोगों में बैठा हूँ और तकरीबन ही फील्ड आई है मेरे पास पॉडकास्ट की है। तो बहुत कम होते हैं जो असली लोग मुझे मिलते हैं बेस्ट विशेष आपके तमाम आपके प्रोजेक्ट्स तमाम आपकी लाइफ जो भी काम करें दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करें दुआ हमारी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह बहुत अच्छा शो करते हो आपके सवाल इतने अच्छे होते हैं मज़े के होते हैं आपका अपना शो आपका कंटेंट इतना अच्छा होता है आपका बोलना बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच और जिस तरह आप अभी शो कर रहे हो जिस तरह आप कामयाबी से ऊपर जा रहे हो अल्लाह आपको और कामयाबी दे बहुत शुक्रिया बजे स्वातिन हज़रा इस पॉडकास्ट को यहीं इख्ताम करेंगे इस दुआ इस यकीन इस अपने पन के साथ के अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और नाजिया मलिक को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफि